हेलो दोस्तों, ये रतन नगर बाईपास, रतन नगर चूरू बाईपास पे ये राजा अटिब्बा के नाम से बोला जाता है। यह ऊँटों सुंदर सुंदर ऊँट सजाए हुए होते हैं, उन पे सवारी कराई जाती है। 200 रुपया पर हंड्रेड होता है। और ये मिट्टी पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इन पे सवारी कराई जाती है। और बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और ये एक छोटा सा पर्यटन स्थल बना हुआ है, यहाँ पे आते जाते गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पे। और टिब्बे का नज़ारा बहुत ही सुंदर है देखने में। ये चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है। ये देखिए, ये मिट्टी में चलने वाली गाड़ियाँ हैं जिन पर सवारी कराई जाती है। ये 250 रुपया आधे घंटे का है। ये देखिए, इस तरह से चलती है गाड़ियाँ। ये ऊँटों पे और घोड़ों पे यहाँ पे सवारी भी बहुत अच्छी करा रही है। देखो सामने से ये बंदा लेके आ रहा है। मिट्टी में चलाने का मजा ही कुछ और होता है। ये देखिए, दूसरा बंदा इस पे बैठ गया है, अब इसको वो चलाएगा। ये बाईपास पे आने जाने वाली बसें यहाँ रुक जाती हैं और यहाँ इंजॉय करती है, रुककर और सवारियाँ इंजॉय करती हैं। दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। ये देखिए, ऊँट की सवारी का कितने सुंदर ऊँट सजे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और वो टिब्बा है, इसको राजा टिब्बा के नाम से बोला जाता है। हम भी यहाँ देखने गए थे, थोड़ी देर के लिए रुके थे। यहाँ लोग पिकनिक मनाने के हिसाब से भी आते हैं। ये बहुत अच्छा व्यू है टिब्बे का, काफी ऊंचाई पर यह टीला स्थित है। हमने भी टीले पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, हाँफने लग गए, इसलिए नहीं गए। या लोग फोटोग्राफी भी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये देखिए, ऊपर की साइड में भी लोग गए हुए हैं। ये टीले के ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, उतरने में इतनी तकलीफ नहीं होती। ये छोटी छोटी बहुत सी दुकानें भी खुली हुई हैं और बच्चों को एंजॉय करने के लिए भी लगाया कूदने वाला। ये बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, आपका भी अगर जाने का कभी पड़े तो इस जगह रुककर आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरा वीडियो
अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इसको आप देख कर इंजॉय कीजिए।